हे गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चलिए आज की कॉन्वर्जेशन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए अंग्रेजी हिंदी के साथ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरत होती हैं। पहला, उस भाषा को सुनना और दूसरा, उस भाषा में बात करना। इसीलिए हम आज फ्लुएंट लाइफ में आपको ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन यानी वार्तालाप होने वाला है दो लोगों के बीच, जहाँ पे एक बैंक टेलर है और दूसरा उसका कस्टमर है। यहाँ पे कस्टमर अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक मैनेजर से बात कर रहा है और बात करने के दौरान आपको पूरे वाक्य एक बार हिंदी में बोलूंगी और वापस इंग्लिश में दोहराऊंगी, तो आपको सेंटेंसेस के साथ साथ उनके अर्थ भी समझ में आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए, देरी किस बात की, देखते हैं कॉन्वर्सेशन एट द बैंक। जी, मुझे आपके बैंक में एक अकाउंट खोलना है, क्या आप मेरे मदद कर सकते हैं? हाय, आई नीड टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक, विल यू प्लीज हेल्प मी? जरूर, मैं आपको बैंक अपने अकाउंट ओपन करने के लिए जो जो करना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। प्लीज आप बैठ जाइए। श्योर सर, आई विल बी गाइडिंग यू रिगार्डिंग द फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, प्लीज सिट डाउन। इसके लिए कौन कौन से विवरण मुझे देने पड़ेंगे? लेट मी नो व्हाट ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। आपको पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिर उसको काउंटर नंबर 5 में देना पड़ेगा। यू विल नीड टू फिल द फॉर्म एंड सबमिट द सेम एट काउंटर 5। मुझे क्या क्या आईडी प्रूफ्स देने पड़ेंगे? व्हाट ऑल आईडी प्रूफ्स डू आई नीड टू सबमिट? आपको एक एड्रेस प्रूफ, बिजली के बिल की एक कॉपी और आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। यू नीड टू सबमिट 1 hard copy ईच ऑफ योर एड्रेस प्रूफ, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड योर आधार कार्ड। पर बिजली के बिल तो मेरे पापा के नाम पे आता है, बट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज जनरेटेड ऑन माई फादर्स नेम। फिर आप अपने लाइसेंस या प्रीवियस बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हो। इन दैट केस यू कैन सबमिट आइदर योर लाइसेंस और योर प्रीवियस बैंक डिटेल्स। मेरे पिछले बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी चलेगी? विल माई प्रीवियस बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट वर्क? जरूर, यस इट विल वर्क। और मुझे ये सब कहाँ पे देना पड़ेगा? एंड वेयर विल आई नीड टू सबमिट ऑल माई डिटेल्स? उसी काउंटर में आपको फॉर्म के साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। At the same counter, you need to attach all these documents with the form. Account खोलते टाइम मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? How much cash I need to deposit at the time of opening an account? आपको कम से कम 500 रुपए जमा करने पड़ेंगे account opening के time पे। You will have to deposit at least 500 rupees at the time of opening an account. मुझे उसी दिन debit card और checkbook भी मिल जाएंगे? Will I get the debit card and checkbook on the same date? नहीं, वो आपको एक हफ्ते बाद आपके एड्रेस में भेजा जाएगा। नो, इट विल टेक अ वीक एंड इट विल बी सेंट टू द एड्रेस मेंशन इन द फॉर्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और याद से फ्लुएंट लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए।